ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम ही नहीं करते। यहाँ पर हल्की से लेकर भारी भरकम गाड़ियां भी बिना इंजन स्टार्ट किए हुए खुद ब खुद ही चढ़ाई चढ़ लेते हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग जब भी लेह लद्दाख घूमने जाते हैं तो इस मैग्नेटिक हिल पर घटने वाली इस अद्भुत घटना को जरूर देखते हैं। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के लेह लद्दाख में ही नहीं बल्कि एक और ऐसी जगह है जहां बिल्कुल ऐसे ही घटना घटती है। हालांकि इस जगह के बारे में शोधकर्ताओं को मालूम हुए ज्यादा वक्त नहीं बीता है, पर जैसे ही उनको इस जगह के बारे में मालूम हुआ ठीक उसी वक्त से यहां पर सैलानियों का आना जाना शुरू हो गया। दोस्तों, प्रकृति का ये सिद्धांत है कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, पर आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वहां पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है। यहां भारी भरकम गाड़ियां भी बिना इंजन स्टार्ट किए हुए चढ़ाइयों को बड़ी आसानी से चढ़ लेती है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जगह कहाँ स्थित है और ये पूरा मामला आखिर है क्या। दोस्तों, इस नजारे को देखने के लिए आपको आना पड़ेगा छत्तीसगढ़। ये जगह उल्टा पानी के नाम से जाना जाता है। ये इलाका अंबिकापुर से 56 किलोमीटर दूर मैनपाट की गोद में बसे बिसरपानी गांव में स्थित है। यहां पर मुख्यमंत्री सड़क योजना के किनारे एक छोटे से पत्थर के नीचे से निकलकर पानी की धारा ऊपर पहाड़ी की ओर 2 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस नजारे को यहां आने वाले जो भी सैलानी देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। पहले पहल तो जो भी यहां आता है उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, पर बाद में जब भी पानी में एक तिनका डालकर देखा जाता है तो उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में ये पानी पहाड़ी से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से पहाड़ी की ओर जा रही है। उल्टा पानी की खोज किसी वैज्ञानिक या रिसर्चर के जरिए नहीं बल्कि बिसरपानी पंचायत के ग्रामीणों ने की है। यहाँ का वाटर लेवल काफी ऊपर है जिसकी वजह से ग्रामीणों को खेत की सिंचाई में कभी दिक्कत नहीं आती। आज से करीबन 4 साल पहले यहाँ जमीन से एक जगह बड़ी मात्रा में निकल रहे पानी को ऊपर तक खेतों व गांव में पहुंचाने के लिए मेंढ तैयार की गई। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका कर रख दिया। इस मेंढ से पानी गुजरते ही एक ही धार में नीचे से ऊपर घूमते हुए दूसरे पारे में जा पहुंचा और तब से इस जगह को उल्टा पानी के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ के ग्रामीण इस स्थान को पर्यटन के दृष्टिकोण से संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं ताकि मैनपाट में ये जगह भी प्रदेश व देश में मशहूर हो सके। भूगर्भ शास्त्री के मुताबिक ये आश्चर्य है, ऐसा उत्तर पूर्व के कुछ पहाड़ी इलाकों में भी देखने को मिलता है। इसका रहस्य जानने के लिए मुकम्मल शोध की जरूरत है। दोस्तों, इस तरह के अजूबे दूसरे देशों में भी मौजूद है और इस तरह के जगहों के बारे में शोधकर्ता ये कहते हैं कि ये कोई मिरेकल नहीं है बल्कि आंखों का धोखा है। कहते हैं कि असल में इन जगहों की बनावट कुछ इस कदर है कि जिससे हमें लगता है कि गाड़ी खुद ब खुद ऊपर की ओर जा रही है, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि वो गाड़ी असल में नीचे की ओर ही सरक रही होती है। इसीलिए जब आप इस जगह पर जाएंगे और ऊपर की ओर चढ़ेंगे तब आपको ना ही थकान होगी और ना ही आपकी सांसें फूलेंगी, परंतु जैसे ही आप नीचे की ओर उतरेंगे तब आपको थकान भी लगेगी और आपकी सांसें भी फूलेंगी। दोस्तों, अगर आप भी प्रकृति द्वारा रचित इन दुर्लभ जगहों पर जाकर एक आश्चर्यचकित कर देने वाला अनुभव लेना चाहते हैं तो लेह लद्दाख जाने की कोई जरूरत नहीं बल्कि आप छत्तीसगढ़ में मौजूद अंबिकापुर से करीबन 56 किलोमीटर दूर मैनपाट की गोद में बसे बिसरपानी गांव में स्थित उल्टा पानी को देखने जरूर आइएगा। यहां आकर आप हैरान हो जाएंगे और आपको अपने आंखों पर यकीन नहीं होगा और आप ये सोचेंगे कि आखिर ऐसा भी कभी हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है उल्टा पानी के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम बहुत जल्द इस जगह पर जाकर आपके लिए वीडियो फुटेज लाएंगे और जिसे हम आपको अद्भुत टीम इंडिया ब्लॉग के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। यहां तक आने का पूरा पता हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। इस वीडियो से जुड़े कुछ सवाल अगर आपके मन में है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका